आई एवरी वन तो कैसे है आप सभी तो देखिए जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो एस से बिलोंग करते हैं बेसिकली तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है पीडीएफ फॉर्मेट में तो जैसे आप सभी को पता होगा कि जो स्टडी मटीरियल एस ओ फॉर्मेट में भी अवेलेबल करवाता है उन स्टूडेंट के लिए जो कहीं ना कहीं हार्ड कॉपी लेते नहीं है या जो हार्ड कॉपी लेने नहीं जा सकते तो अभी हम एस की वेबसाइट पर है मैं आपको दिखा देता हूँ हम जैसे एस की वेबसाइट पर कंटिन पर क्लिक करेंगे ठीक है तो मैं आपको स्टडी मटेरियल दिखा देता हूँ देखिए पोस्टपोन इंटरव्यू हो चुका है अभी इंटरव्यू हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का इसको हटा दीजिए एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ अगर होते तो कुछ मैं बात करता अभी उसके बारे का ठीक है तो हमें क्या लेना देना उसके बाद एन एन ई पी रिसोर्सिस पर क्लिक करेंगे तो हम एन ई पी रिसोर्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो बी ए प्रोग्राम पर हमने क्लिक किया तो बी ए प्रोग्राम का जो स्टडी मटेरियल है फोर्थ सेमेस्टर का सेक्शन बन चुका है और फोर्थ सेमेस्टर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है वो अपलोड होना शुरू हो चुके हैं अभी सिर्फ दो ही मटेरियल अपलोड किए गए एक ए का मटेरियल अपलोड किया गया है जो कि संस्कृत ए है और जे एन ई में भी संस्कृत का ही अभी मटेरियल अवेलेबल कराया गया है तो अभी हम और देख लेते हैं और किस किस का आ गया है हम जरा देख लेते हैं बी कॉम वालों का बी कॉम वालों का फोर्थ सेमेस्टर का कितना मटेरियल आ गया है तो इनका भी सेम आया यानी सबका सेम सेम किया जा रहा है अभी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का क्या हाल है देख लेते हैं तो बी एनर्स पॉलिटिकल साइंस का सब एक ही अपलोड किया गया वो भी संस्कृत का यानी ये आज से कहानी शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये सारा मटेरियल जो है पी में वो अवेलेबल हो जाएगा बहुत तो अच्छी बात भी है क्योंकि एग्जाम भी आ रहे हैं और जैसी मटेरियल आ जाएगा फिर हमें भी नोट्स में आने में प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे कि आप देख सकते हो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स हमने फोर्थ सेमेस्टर सेलेक्ट किया यहाँ भी देखिए सारा संस्कृत का एक साथ ही सिलेक्ट कर रहे हैं बी ए ऑनर्स साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट इनका तो अभी कुछ आया ही नहीं है इनका कुछ अभी अता पता ही नहीं है है ना और बस यही थी आज की वीडियो बाकी अभी सिलेबस की बात की जाए सिलेबस अभी अपलोड नहीं किया गया जबकि मैं तो ये कहूँगा पहले सिलेबस डालना चाहिए था बट स्टडी मटेरियल पे काम कर रहे हैं तो बिग अपडेट ये है कि फोर्थ सेमेस्टर का जो स्टडी मटेरियल है वो अपलोड होना शुरू हो चुका है आने वाले कुछ दिनों में सारा मटेरियल आ जाएगा मैंने आपको बता दिया आप चेक करते रहिए अगर आप पी पढ़ने के शौकीन है तो ठीक है वरना हार्ड कॉपी पसंद है अपॉइंटमेंट जैसी शुरू हो जाएंगे सारे कोर्सेज़ के आप ले सकते हो अभी बीकॉम के चल रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में बीए प्रोग्राम या अदर कोर्सेज के अपॉइंटमेंट भी शुरू हो जाएंगे आप हार्ड कॉपी भी कलेक्ट करके उनसे स्टडी कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो वीडियो कैसे जो बताएगा थैंक यू सो